जब भी कोई इजी स्नैक की बात होती है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है सैंडविच, क्योंकि वो मुझे लगता है कि मैं फटाफट बना सकती हूँ। तो स्कूल जाना था और मैं थोड़ा लेट सो कर उठी थी, तो मैंने सोचा जल्दी से एक इजी सैंडविच रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ और अपना लंच भी प्रिपेयर करूँ। तो जैसे कि मैंने आपको चीज़ें दिखाई, प्याज, ब्रेड, चीज़, मेयोनीज, प्याज और पनीर को मैंने घी में हल्का सा फ्राई किया और थोड़े से जो नमक, लाल मिर्ची वगैरह डाला, चीज़ क्यूब्स ली मैंने, उसको ग्रेट करके ऊपर से पनीर की स्टफिंग में डाला, यहाँ तवा गरम किया और ये रही मेरी ब्रेड। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ये सैंडविच स्प्रेड मेयोनीज और ये मेरा स्टफिंग अच्छे से रेडी हो गया था और बहुत मस्त बना था, क्योंकि मैंने जो इसके ऊपर चीज़ घिस घिस के डाली थी ना, घस घस के, तो उससे इसका टेस्ट बहुत यम्मी। और मात्र मुझे 5 मिनट लगे होंगे इसे बनाने में, 5 मिनट में मुझे इतना टेस्टी सैंडविच बन के रेडी हो गया था। बस घी से मैंने इसको अच्छे से सेक लिया और अपने लिए और बहन के लिए, दोनों के लिए ब्रेकफास्ट मैंने रेडी कर दिया। और मतलब ये इतना मस्त बना था, खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। वैसे मैंने इसे चाय के साथ खाया था तो, और बहुत इजी है, पनीर है, प्याज है, आप चाहो तो इसके अंदर और भी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, कॉर्न्स, कैप्सिकम, टमाटोज, जो भी चाहो। तो मेरी तो ये इजी सी रेसिपी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई करना एंड कमेंट्स में बताना कैसी लगी। एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी मेरे सैंडविच बनके रेडी हो गए, जहाँ मैंने बीच में से कट किया इसको, कट करके इसको बटर पेपर में रैप करूँगी, ये देखो। तो मत सा इजी तरीके से मैंने बना लिया है ये सैंडविच, आप चाहो तो इस पर चीज़ स्लाइस भी लगा सकते हो। वैसे ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लग रहा था, कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।